सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा। बिन सतगुर सेवे जी के बंदना, विच हौं मैं कर्म कमाहे। बिन सतगुर सेवे ठौर ना पावहे। मर जम्मह आवह जाहे। बिन सतगुर सेवे जी के बंदना, विच हौं मैं कर्म कमाहे। बिन सतगुर सेवे ठौर ना पावहे। मर जम्मह आवह जाहे। बिन सतगुर सेवे फिका बोलना, नाम ना वसै मन माहे। नानक बिन सतगुर सेवे जमपुर बदे मारियन। मोह काल उठ जाहे। महला पहला। जालो ऐसी रीत, जित मैं प्यारा विसरे। नानक साई भली परीत, जित साहिब सेती पातर। पौड़े हर इको दाता सेविए। हर एक त्याई है। हर इको दाता मंगिए। मन चिंदिया पाइए। जे दूजे पासों मंगिए, तां लाज मराइए। जिन सेविया तिन फल पाया, तिस जन की सब भुख गवाई है। नानक तिन विटों वारिया, जिन अन दिन हिरद हर नाम ते आई है। जिन सेविया तिन फल पाया, तिस जन की सब भुख गवाई है। नानक तिन विटों वारिया, जिन अन दिन हिरद हर नाम ते आई है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु की साजी नवाजी, गुरु रूप गुरु खालसा सत्संग जी, तंता दे योग हो। हर रोज दी तरह
सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी तो प्राप्त होए पावन पवित्र मुख वाक दी कथा विचार सांझी करन वास्ते गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल तथा देश विदेश घरां विच बैठ के लाहा प्राप्त कर रहे हो। दीन दुनिया दे मालक जगत जलंदे दे रखियक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी ने अमृत वेले सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी विखे प्रकाशमान होके अज दा ए पावन पवित्र हुक्मनामा साहिब श्री गुरु अमरदास सचे पातशाह जी अते गरीब नवाज गुरु रामदास पातशाह जी दी रसना द्वारा आपां नूं बख्शिश कीता है। वडहंस दी वार दियां पौड़ियां साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी दियां उचारण कीतियां होईयां ने। सलोक सतसंग जी तीसरे पातशाह जी दे पहले पातशाह जी दे त्याद करलवें मिलवें इस वार विच आए ने। सतगुरु जी ने अज दे हुक्म विच सतगुरु जी दी सेवा दा जिक्र कीता है। जेड़ा मनुख सतगुरु जी दी सेवा नहीं करदा सेवा तो बगैर है उहदे कीते हुए कर्म किसे थाए नहीं पैंदे। सतगुरु जी ने हुक्म कीता गुरबाणी विच कि जेड़े मनुख सतगुरु जी दी सेवा तो बगैर खांदे पहनदे ने ओह वार वार जमदे मरदे कोड़ी हुंदे ने। इस करके सतगुरु जी सेवा तो बगैर जीव दे बंधन नहीं टुटदे। जीव नू मुक्ति दी प्राप्ति नहीं हुंदी। ते नाल नाल साहिब सतगुरु पातशाह जी ने दर्शाया कि गुरु दी सेवा तो बिना इस जीव नू किते थां प्राप्त नहीं हुंदी। ये जीव भरमदा फिरदा है कदे किसे जून विच कदे किसे जून विच और ना ही सतगुरु तो बगैर एदे मन नू टका है। सतसंगत जी टका ना होण करके थां थां ते पूजा करदा फिरदा है थां थां दा भ्रमण करदा है भटकदा है पर एदे मन दी भावना कितों भी पूरी नहीं हुंदी।
इस करके हजूर सतगुरु पातशाह जी कहंदे एक नाल जोड़, एक ते भरोसा कर, एक ते विश्वास कर, ता मन इच्छित फल प्राप्त हुंदे ने, ता तेरे सारे बंधन टुट जाणगे। तू आवागमन दे चक्कर तों बच जावेंगा जे एक नाल जुड़िया रहेगा तां। पर एक तों बगैर तां सतसंग जी इहदे पल्ले भरमण ही है, होर इहदे पल्ले कुछ भी नहीं पै सकदा। इस करके साहब सतगुरु पातशाह जी ने अज दे पावन पवित्र हुक्म दे विच सतगुरु दी उत्तम सेवा दा जिक्र कीता है। सेवा तो बगैर हाथ पैर अंग प्रतंग सारे निष्फल हन। भट्टा ने सवैया विच भी जिक्र कीता है, हाथ ता सफले ने जे ए धन सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी की सेवा विच लग जान। ता कन ता सफले ने जे ए गुरु की बाणी सरवण करन, अखां ता सफलियां हन जे गुरु पातशाह जी दे दर्शन दीदार करन, रसना तां सफली है सतसंग जी जे वाहिगुरु दा सिमरन करे, पैर तां सफले ने जे ए चल के गुरु की संगत विच आउंदे ने, ते सिर तां सफला है जे ए धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणा विच आ के झुक जावे। सतगुरु पातशाह जी कहंदे शरीर दे जिन्ने भी अंग ने ना, हाथ पैर अखां कन्न मुख, ए सेवा करके ही सफले हन। सेवा तो बगैर सतसंग जी ए निष्फल ने, किसे अर्थ नहीं। इस करके जिथे सतगुरु की सेवा करनी है, हजूर ने गुरबाणी विच ये भी दर्शाया कि गुरु की सेवा ए तपा सिर श्रोमणी तप है। भाव सेवा सब तो उत्तम है, पर हजूर कहंदे ने सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। ओ सेवा कीती प्रवान है जिस सेवा ते गुरु साहब जी दा मन पतीज जावे। जिवें भाई साहब भाई नंद लाल सिंह जी लंगर दी सेवा करदे सन, जदों सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने परख कीती तां सतसंग जी उस वेले केवल लंगर दी सेवा दी प्रीख्या विच्चों भाई नंद लाल सिंह जी पास होए सन। जदों हजूर ने आ के लंगर मंगिया तां भाई साहब भाई नंद लाल सिंह जी कहण लगे, महाराज
अध रिद्धी दाल है, आटा गुन्या पिया है, जे हुक्म होवे ते लंगर पका दिए, ते जे बहुत ही जल्दी है ते इतरा ही लै लवो। सतगुरु जी सेवा ते प्रसन्न हुए सन, तो सत्संग जी सेवा ओही सफली है जिस दे उत्ते सतगुरु जी का मन पतीज जावे। सतगुरु की सेवा तो बगैर मनुख जिन्हें भी जाप ताप संजम साधना करता है, ये सारे होमे नू पठे पाउण वाली गल है, इहदा फल कोई नहीं। सतगुरु की सेवा करके भाई मंझ वर्गे गुरु के जहाज बन गए, सतगुरु की सेवा करके भाई बहलो सब तो पहलों का वर प्राप्त कर लिया। जिन्होंने सतगुरु की सेवा की सतगुरु प्रसन्न होए, सतगुरु जी ने उन्हां दे उत्ते बेअंत बख्शिशां कीतियां। तो अज दे इस पावन पवित्र हुक्मनामे अंदर पहला श्लोक धन गुरु अमरदास पातशाह जी का उचारण किया होया है, और दूजा श्लोक धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का, पौड़ी साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी दी है। सतसंग जी इस पावन पवित्र हुक्मनामे दे इस शब्द दे नाल मिलदा जुलदा शब्द राग बिहागड़े दी वार विच भी आउंदा है, पर उस दी आरंभता श्लोक महला चौथा है। उहदे विच जिक्र है बिन सतगुर सेवे जी के बंधना जेते कर्म कमाहे, उस पंक्ति नाल आरंभ हुंदा है। पर तकरीबन ये जो धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने सलोक उचारण किया इस सलोक दे नाल हूब हू ओ मिलदा है। साहब सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी अज दे पावन पवित्र हुक्म अंदर आपां नूं इलाही फरमान बख्शिश करदे हन। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा। साहिब श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का उचारण किया होया ए पावन पवित्र शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 599 ते सुभायमान है। राग वढ़हंस दी वार विच सतगुरां ने यह हुक्म आपां नूं बख्शिश कीता है। बिना सतगुर सेवे जी के बंधना। सतगुरु दी सेवा कीतियां बगैर जितने भी असी कर्म कांड करदे हां यह सारे साडे जी दे बंधन हन। सतसंगत जी जिवें सतगुरां ने गुरबाणी विच जिक्र किया है, हजूर कहिंदे पी एक मकड़ी है वो अपने मुख विचों जाला कढ़दी है, ते वो जिवें जिवें जाला बुणदी है ना वो जाला उस वास्ते बंधन रूप बन जाता है, ते ओदे विच फस के प्राण गवा बैंदी है। इस तरह सतगुरु की सेवा तो बगैर
सिमरन तो बिना असी जितने भी कर्म करते हाँ वो सारे ही बंधन रूप हैं, क्योंकि सतगुरु की सेवा मनुख के अंदरों होमे गवाउंदी है। मनुख जो आपा भाव गवा के सेवा करता है तो सतसंगत जी वो सेवा गुरु दर प्रवान हुंदी है। पर जिन्हां कर्मां दे करन नाल होमे पैदा हो जावे कि मैं कीता आ भी मैं कीता, जे मैं ना करदा ते ये होना नहीं सी। सतगुरु जी कहिंदे ओ जिहड़े कर्म ने ना ओ बंधन रूप बन जांदे ने, उन्हां कीते हुए कर्मां दे बंधना विच ही ये जीव फस के अपने आप नूं गवा बैठदा है। बिन सतगुर सेवे जी के बंधना, इत्थे विद्वाना ने जी दा अर्थ आत्मा भी कीता है। सतगुरु पातशाह जी कहिंदे गुरु की सेवा तो बगैर जेड़े असी कर्म कांड करते हाँ, जप तप करते हाँ, धूनियां ताउंदे हाँ, जल धारे करते हाँ, पुठे लमकते हाँ, इहदे नाल होमे पैदा हुंदी है ते असी इहदे विच बज जांदे हाँ। विच होमे कर्म कमाहे, जीव होमे दे विच कर्म करता है। कई बार कई मनुख गुरु घर विच सेवा भी करते ने, ते सेवा करके उन्हां दे अंदरों माण नहीं जांदा। वो कह देंदे ने मैनू 40 साल हो गए ने सेवा करदिआं, मैनू 50 साल हो गए ने सेवा करदिआं। पर सतसंगत जी 50 साल सेवा करदिआं हो गए प्राप्त की होया? जे तां केवल होमे प्राप्त कीती है ते फिर वो सेवा दा कोई लाभ नहीं। ते जे सेवा करदिआं करदिआं विच्चों होमे चले गई है ते सतसंगत जी फिर वो सेवा सफली है। जे केवल लोक विखावे मात्र ही सेवा करदा है ते होमे अवश्य आवेगी। जे सतगुरु नू हाजर नाजर जान के सेवा करता है ते होमे लागे नहीं फटकेगी। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना होमे विच हों जाए। सतगुरु पातशाह जी कहंदे सतगुरु की सेवा सफली है जे कोई चित ला के करे, गुरु नू हाजर नाजर जान के करे। एक तो उन्हूं मन इच्छत फल प्राप्त हुंदे ने ते दूसरा सतसंगत जी उहदे अंदरों होमे निवृत्त हो जाती है, होमे दूर हो जाती है। पर जेडे असी होमे विच कर्म करदे आ ना, सतगुरु जी कहंदे ओ सारे बंधन रूप हन, साडा छुटकारा नहीं हो सकता होमे विच कीते हुए बंधना करके। बिन सतगुर सेवे ठौर ना पावही, हजूर कहंदे सतगुरु दी सेवा तो बगैर, सेवा कीतियां बिना इस जीव नूं ठौर प्राप्त नहीं हुंदी। सतसंगत जी इहनूं टिकाओ नहीं, ना मन दा टिकाओ है ना तन दा टिकाओ है। मन भी भज्जा फिरदा रहिंदा है ते शरीर करके भी ये भज्जा फिरदा रहिंदा, दौड़िया फिरदा रहिंदा है, ते आवागमन दे चक्कर विच पिया भटकदा रहिंदा है। सतगुरु पातशाह जी कहिंदे